हर हर महादेव। अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से बहाल हो चुकी है पहलगाम और बालटाल से। अभी आप पवित्र गुफा से जो लाइव विजुअल्स देख पा रहे हैं, ये पवित्र गुफा के लाइव एंड लेटेस्ट वीडियो हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। साथ ही पवित्र गुफा के मौसम एक बार फिर से पूरी तरह से साफ हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी जानकारी बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु, जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं, तो सभी देखिए खास ध्यान ट्रैक पर ये रखिएगा कि देखिए ट्रैक पर बारिश होने के कारण फिसलन बढ़ जाती है, इसीलिए यात्रा करते समय ध्यानपूर्वक यात्रा करें। साथ ही साथ उन इलाकों में ना खड़ा हों जिन पर चिन्हित इलाके रखे गए हैं जहाँ पर भूस्खलन की खासकर संभावना रहती है। वहीं अभी आप देख रहे पालकियाँ भी चलना शुरू हो गई हैं पंचतरणी से पवित्र गुफा की ओर। साथ ही जो श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं उन्हें बालटाल के रास्ते से सावधानीपूर्वक बालटाल के लिए रवाना किया जा रहा है। वहीं जम्मू से पवित्र गुफा के लिए एक नया जत्था लगभग 6100 तीर्थ यात्रियों का रवाना किया गया है पहलगाम और बालटाल के लिए। आप सभी श्रद्धालुओं को बताते चलें कि बाबा भोलेनाथ अंतर्ध्यान होने के बाद भी श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ पवित्र गुफा की ओर बढ़ रही है। वहीं मौसम अगले दिनों साफ जताया गया है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हिदायत दी जाती है कि यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े एवं टोपी व दस्ताने जरूर रखें ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ना करना पड़े। तीर्थ यात्रियों के लिए SDRF की टीम व अन्य टीमें प्रशासन ने पूरे यात्रा मार्ग पर तैनात करके रखी है। वहीं इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए MRT और इसमें आप सभी को बता दूं कि QRT टीमें भी यहां पर यात्रा मार्ग पर लगाई गई हैं। श्रद्धालुओं को बताते चलें कि यात्रा मार्ग पर पूरी की पूरी फैसिलिटी और सुविधाएं दी जा रही हैं। आप यात्रा पर आएँ, किसी भी प्रकार की घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रशासन पूरे साल आप सभी के लिए कोशिश करने के बाद ये 1 से 1.5 महीने के लिए यात्रा चलाता है और इसमें जितनी तैयारियां की जाती है वो प्रशासन की एक कड़ी मेहनत होती है। तो इसीलिए अगर आप जम्मू में आ चुके हैं या फिर आपने अगर अपनी यात्रा को बिल्कुल तैयार रखा है तो यात्रा पर आ जाएं, किसी भी प्रकार की अपनी यात्रा को रद्द ना करें। वहीं मौसम से मिली जानकारी के अनुसार आप सभी के लिए यही अपडेट है कि मौसम भी अच्छा है। अभी आप जो रास्ते का व्यू देख पा रहे हैं, ये पिस्सू टॉप का नया रास्ता है जो अमरनाथ गुफा की ओर निकला है पहलगाम से जो आता है। फिलहाल कुछ इलाका है जो लगभग 500 से 1000 मीटर के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है। श्रद्धालु को बता दे चलें कि यात्रा पर आने वाली श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी जानकारी यही कि अपनी डेट्स पर ही यात्रा पर आएं, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं वो बिना दर्शनों के लौट रहे हैं। कई सारे श्रद्धालुओं का कहना है कि उनके RFID कार्ड्स नहीं बन रहे क्योंकि वो अलग डेट्स के आ चुके हैं। और वहीं दूसरी जानकारी बड़ी आप सभी के लिए यही है कि देखिए कई सारे श्रद्धालु ऐसे भी अब वापस हो रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, जिन्हें अब लग रहा है कि बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं वह भी नहीं आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी।